न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने निर्वाचन संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में प्रथम चरण के लिए मतदान 25 जून को होगा। इसमें हनुमना, मऊगंज तथा नई गढ़ी विकास खंडों में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मतदान सामग्री प्राप्त कर 24 जून को मतदान दल रवाना होंगे। मतदान केंद्र में बारिश को देखते हुए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव के दौरान पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। मतदान और मतगणना के दौरान पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। प्रथम चरण के मतदान के दौरान 62 मोबाइल टीमें लगातार भ्रमण करके कानून और व्यवस्था की निगरानी करेंगी। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय चुनाव कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। मतदाता को निष्पक्ष और निर्भय होकर मतदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। सबके सहयोग से जिले में पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन को बिना किसी बाधा के संपन्न किया जाएगा। नगरीय निकाय में दो चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में 6 जुलाई तथा दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होंगे। रीवा नगर निगम के महापौर पद पर तथा पार्षदों एवं नगर पंचायतों के पार्षद पदों के लिए नामांकन का कार्य पूरा हो गया है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया के भ्रामक सूचनाओं से बचें। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है तो तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास करें। पेड न्यूज की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति कार्य कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण से पहले चुनाव प्रचार विज्ञापन का प्रमाणन अवश्य कराएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पत्रकारों द्वारा प्रशासन को समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। चुनाव में भी आप सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने का अनुरोध है। मतदान तथा मतगणना के कवरेज के लिए संभागीय जनसंपर्क कार्यालय से प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। कवरेज के समय सभी पत्रकार अपना प्रवेश पत्र तथा संस्थान द्वारा जारी परिचय अवश्य साथ रखें। मतदान कक्ष में जहां मतदान किया जाता है वहां की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी ना करें। इससे मतदान की गोपनीयता भंग होने का खतरा रहता है। चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा तथा बड़ी संख्या में पत्रकार गण उपस्थित रहे।